नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई के समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस के साथ। 42 लाख से अधिक अपात्र किसानों ने लिया पीएम किसान योजना का लाभ, अब होगी वसूली। किसान चलाएंगे अपनी संसद, कानून पर होगी चर्चा। रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा सोयाबीन का दाम, महाराष्ट्र में बिक रहा 8,700 रुपए प्रति क्विंटल। सरकार ने शुरू की योजना, बेरोजगार किसानों को मिलेगा रोजगार। अब समाचार विस्तार से। देश भर के 42 लाख से अधिक अपात्र किसान गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने इन की पहचान कर ली है। इन सभी किसानों से किस्त के रूप में जारी राशि वसूली जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि कुल 42,16,643 अपात्र किसानों का पता चला है। इनसे 3,000 करोड़ की वसूली की जाएगी। सबसे ज्यादा अपात्र किसान आसाम के हैं, जिसके बाद तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आदि के किसानों से भी किस्त वसूली जाएगी। 200 किसान कृषि कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, साथ ही संसद तक मार्च भी निकालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह घोषणा की है। संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान प्रतिदिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। यहीं किसान संसद का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कृषि कानून पर चर्चा होगी। किसान संसद के लिए हर दिन एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। जंतर मंतर पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक किसान संसद आयोजित होगी। आपको बता दें, पिछले साल नवंबर से किसान दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। त्योहारी मांग के कारण देश में लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में विदेशी बाजार में मंदी होने के बावजूद भी देश में सोयाबीन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र की मंडी में सोयाबीन 8,700 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जबकि मलेशिया एक्सचेंज और शिकागो एक्सचेंज में तेल के दामों में गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को खाद्यान्न तेल के आयात शुल्क को बढ़ाने घटाने की बजाय तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे विदेशी बाजार पर निर्भरता कम हो और तेल के दामों में सुधार किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार ग्रेजुएट किसानों के लिए एग्री जंक्शन योजना लेकर आई है। योजना के तहत युवा किसान एग्री जंक्शन शॉप की शुरुआत कर सकेंगे। योजना में युवाओं को कृषि, बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक आदि की शिक्षा दी जाएगी। इससे शिक्षित युवा अपने जिले में एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप की शुरुआत कर पाएंगे। साथ ही किसानों तक बीज, कीटनाशक आदि की सही जानकारी और सरकारी योजना पहुंच पाएंगी। इच्छुक किसान योजना से जुड़ने के लिए अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।